तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीवी एडिटिंग, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। आप भी ऐसा एडिट कैसे कर सकते हो, ठीक है? पूरा स्टेप बाय स्टेप स्नैपशीट ऐप के मदद से आप सीवी फोटो एडिटिंग ऐसा कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा, एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमारा स्नैपशीट है जो ओपन हो गया है, ठीक है? ओपन हो जाने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फोटो चूज कर लेना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है हमारा फोटो आ गया है, ठीक है? तो फोटो को आ जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे, एंड का जितना भी हम PNG यूज करेंगे ना इसमें बैकग्राउंड PNG एंड जितना भी PNG यूज करेंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो बैकग्राउंड को लगाने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक, नीचे की तरफ डबल एक्सपोजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सो गाइस इस वाला बैकग्राउंड को ला लेने के बाद आपको थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको पूरा फुल कर लेना है। ओके, फुल करने के बाद सही वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इस वाला ऑप्शन पर, फिर इसको व्यू एडिट पर क्लिक कर लेंगे, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे ब्रश पर, एंड जो ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीन पर ऐसे चलाना है एंड अपने इससे बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है? तो हम पूरा चला लेते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है चेंज हो चुका है, ठीक है? तो इसको चेंज हो जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से बैक आ जाएंगे, एंड बैक आ जाने के बाद फिर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर टू नेमेज का ओपन ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा आपको, तो टू नेमेज पर क्लिक करेंगे एंड इसके ब्राइटनेस को आपको 14% 13% बढ़ा लेंगे एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे करीब 17 करीब बढ़ा लेंगे इसके कॉन्ट्रास्ट को, एंड इसके सैचुरेशन को कर लेंगे हम 98 करीब इसके सैचुरेशन कर लेंगे, एंड एम्बुलेंस को 7% कर लेंगे, हाईलाइट को थोड़ा -8 करीब कर लेंगे, ठीक है? एंड वार्म को थोड़ा बढ़ा लेंगे 9 करीब +9 करीब, ठीक है? एंड इतना कलर होना सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो गाइस अभी जो हमारा फेस है जो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए फेस के लिए इसको हटाएंगे इफेक्ट को, फिर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर बिल्ड पर, फिर टू इमेज पर क्लिक करेंगे, ब्रश पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर गोल्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे गाइस, और अपने बॉडी से इस इफेक्ट को हटा लेंगे एंड फेस से, ऐसे ऐसे आप चलाओगे तो हट जाएगा, ठीक है? तो हम चला लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फेस से जो इफेक्ट था पूरा रिमूव हो चुका है, ठीक है? फिर रिमूव हो जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, एंड इतना सारा ऑप्शन कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, पेंसिल आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर क्यूर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो क्यूर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड रेड वाला कलर पर चूज़ करना है, ठीक है? एंड इसको कुछ इस टाइप से माइनस की तरफ कर लेना है, फिर ग्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको भी कुछ इस टाइप से माइनस के इधर नीचे की तरफ कर लेना है, ठीक है? एंड ऐसे कर लेने के बाद फिर सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ओके, फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर व्यू एडिट पे, फिर क्लिक पे, फिर ब्रश पे, एंड इतना कर लेने के बाद इसको जो है फुल 100 कर लेना है, एंड 100 कर लेने के बाद जो ये जो शर्ट पे जो है ये सब है फुल
फूल के ऊपर ऐसे ऐसे चला देना, ठीक है? तो हमारा जो रंग है अपने आप चेंज हो जाएगा। तो गाइस हम पूरा फूल के ऊपर चला लेते हैं, ओके। सो फ्रेंड यहाँ पर जो है कलर बहुत मस्त लग रहा है कलर, तो यहाँ पर हो चुका है। फिर से वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, ओके। एंड यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। एंड गाइस इतना सारा ऑप्शन कर लेने के बाद फिर क्या करना होगा आपको, फिर पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिटेल्स वाला, तो डिटेल्स वाला का ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके पहले वाला ऑप्शन को बढ़ा लेना है करीब आपको 90 करीब। एंड शार्पिंग को बढ़ा लेना है आपको, इसको भी बढ़ा लेना है करीब 83 करीब, ठीक है? एंड बढ़ा लेने के बाद सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ओके। एंड इतना कर लेने के बाद फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर व्यू एडिट पे, फिर डिटेल्स पे, ब्रश पे। एंड ब्रश पे क्लिक कर लेने के बाद फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एंड अपने फेस के ऊपर से इस इफेक्ट को हटा लेना ऐसे से इरेजर करके। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है हमारा फेस, तो इसको हम सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। जो अभी तो है तो अभी पूरा स्टेप फुल नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। एंड अब क्या करना है, पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टोटल कॉन्ट्रास्ट वाला, ठीक है? तो टोटल कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक करिएगा एंड इसको करीब आपको 20 करीब कर लेना है। फिर आपको डायमंड ग्लोइंग डायमंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको कुछ 3 करीब कर लेना, ठीक है? फिर सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा फोटो है आप लोग बिफोर देख सकते हो, एंड आफ्टर देख सकते हो कितना चेंजिंग हुआ है और कितना मस्त लग रहा है फोटो बिफोर एंड आफ्टर। एंड इतना कर लेने बाद आपको क्या करना है, एंड यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए, कुछ नाम लिखने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना गाइस। एंड यहाँ से आप कोई भी राइटिंग चूज कर सकते हो, तो हम ये वाला राइटिंग रहते हैं। एंड इसके ऊपर डबल टैप करना है स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ से आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। हम लिख लेते हैं स्मार्ट जी आई गर्ल, चलो हम लिख लेते हैं स्मार्ट गर्ल, ठीक है? एंड इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं, फिर सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। एंड इसको सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर सेव के ऊपर क्लिक कर लेना होगा, तो हमारा जो फोटो है सेव हो जाएगा। तो यार कैसा लगा इसका वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, यहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। एंड आप भी ऐसा फोटो एडिट करवाना चाहते हो, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे आईडी दिख रही होगी इंस्टाग्राम का, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ओके। तब तक मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक क्लिप बाय।